यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हमेशा विरोधियों के निशाने पर रहते हैं, कभी जगहों के नाम बदलने के कारण तो कभी अपनी हिंदूवादी छवि के कारण, और अभी भी विरोधी योगी आदित्यनाथ का विरोध करते हैं। पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसकी तारीफ योगी विरोधी को भी करना पड़ेगी। दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले बिहार में चमकी बुखार के कारण कई सारी बच्चों की मौत हो गई। अस्पताल की अव्यवस्था और सही समय पर इलाज ना मिलने पर 162 बच्चों की बिहार में मौत हो गई। तब खूब बवाल मचा। इसी प्रकार से यूपी में भी जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, वो नए नए सीएम बने, तब ऑक्सीजन की कमी के कारण गोरखपुर के बीआरडी हॉस्पिटल में 60 बच्चों की मौत हो गई, जिससे पिछली सरकारों की नाकामियां और हॉस्पिटल की कमियां उजागर हुई। उसी साल यूपी में इंटेलाइप्टिस के कारण 748 मौतें हुई, जिससे विरोधियों को योगी सरकार को घेरने का मौका मिल गया। योगी सरकार उस समय नई नई बनी ही थी और ऐसी घटनाएं सामने लाई गई। इससे पहले भी इस बीमारी से हर साल कई बच्चों की मौतें हुई है और साल दर साल ये संख्या बढ़ी ही है। पिछले 40 सालों में 25,000 बच्चों की मौतें जापानी बुखार से हुई, पर इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए। पर योगी आदित्यनाथ ने इस बीमारी को जड़ से उखाड़ने के लिए दस्तक नाम का एक कैंपेन चलाया और 15 साल तक के हर बच्चे को घर घर जाकर इंजेक्शन लगाया गया। पूरे यूपी में जहां जहां भी ये बीमारी फैलती है वहां बच्चों की जाने जाती है, वहां वहां दस्तक प्रोग्राम चलाया गया जिससे इस बीमारी से कैसे बचा जा सकता है ये लोगों को बताया जाता है। इस बीमारी से बचने के लिए सफाई कितनी महत्वपूर्ण है और क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इस प्रकार से भी लोगों को जागरूक किया गया और इसका असर अब हमें देखने को मिल रहा है। जहां 2016 में जापानी बुखार की चपेट में 715 बच्चे आए थे और 2017 में 748 बच्चे इस बीमारी की चपेट में आए थे और 2018 में ये आंकड़ा गिरकर 111 बच्चों तक आ गया। मतलब 2018 में 111 बच्चों की मृत्यु हुई और 2019 में अब तक ये आंकड़ा 35 बच्चों तक पहुंचा है। मतलब 35 बच्चों की इस बीमारी के कारण जान गई और यूनिसेफ इंडिया ने भी योगी सरकार के इस कदम की तारीफ की। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप देख सकते हैं कैसे दस्तक कैंपेन योगी सरकार का एक सफल कैंपेन रहा और कई सारे बच्चों की जान इस खतरनाक बीमारी से बचाई है और कैसे योगी सरकार ने वर्षों से चली आ रही इस मौतों के सिलसिले को कम किया है और आने वाले समय में जल्द ही खत्म भी हो जाएगा। और इसी प्रकार यूपी सरकार ने आगे भी काम किया तो आने वाले समय में इस बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कैसे योगी सरकार ने वो काम कर दिखाया है जिससे योगी विरोधी भी उनकी तारीफ करने लगेंगे। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यस टाइप कीजिए, यदि आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो नो टाइप कीजिए। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। हम इसी तरह आते रहेंगे कुछ जानकारी भरे और कुछ देश हित में वीडियो लाते रहेंगे।